नमस्कार, यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। ये समाचार बालू जिले के अंतर्गत आने वाले डोंडी लोहारा ब्लॉक से लगे ग्राम पंचायत नाहंदा, जहां पर श्री नरसिंह सिंह फौजी, जो कि रिटायरमेंट होकर तमिलनाडु से अपने गृह ग्राम नाहंदा पहुंचे, जिन्होंने अपनी सारी उम्र हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय दिया, रिटायर होकर अपने गाँव पहुंचे। गांव के लोगों ने भारी खुशी नजर आई। बस स्टैंड से लेकर पूरे गांव में रथ की सवारी के साथ, बाजे गाजे के साथ गांव वालों ने हमारे लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सम्मान समारोह में अपनी उपस्थिति दी। इस सम्मान समारोह का गौरव को बढ़ाया, साथ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता कर रहे चंद्रप्रभा सुधाकर जी बालूद, अध्यक्ष कमेटी बालूद, वशिष्ठ अतिथि जागृत सोनकर जी, संतराम तारम, सरपंच ग्राम पंचायत नाहंदा, सरपंच संघ, सचिव, कार्यकर्ता एवं सदस्यगण उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, अभी अपना देश, वतन के देश से रक्षा करते हुए जब अपने गृह गांव में आए हो, तो अपने गांव में जब आए हो तो आपको कैसा महसूस पड़ रहा है कि आपके गांव और आपके परिवार से? ये बड़ी दुविधाजनक बात है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त करूं, क्योंकि सैनिक जीवन अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज से भरा होता है, जिसको हर फौजी निभाता है, और इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं, पर मैंने भी निभाया, ये मेरी विशेषता है। दूसरी तरफ फौज छोड़ने का सवाल, तो मैंने फौज छोड़ने का, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सम्मान भरा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मैंने निभाया। और छोड़ते वक्त जरूर कष्ट होता है, पर बहुत खुशी होती है अपने गांव की मिट्टी से पुनः जुड़ने का। जो अपने जीवन देश की सीमा में पहरेदारी के रूप में लगाकर यहाँ वापस जब अपने वतन, अपने घर आए हैं, और उसका जो आज सम्मान हुआ है, निश्चित ही उनके लिए गर्व की बात होती है। आज भाई नरसिंह सिन्हा राम नांदा के हमारे सेवानिवृत्त होकर अपने बहुत से 28 साल की सेवा लेकर यहाँ आए, मैं उनके लिए सम्मान में यही कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, धरती हार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, उसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उसके सम्मान यही करना चाहते हैं, आज जिस प्रकार से गाँव वाले अपने इस पूत के स्वागत में पूरे पलक पौड़े बिछा कर इनका स्वागत किए हैं, निश्चित ही हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं यही कहूँगा कि आपने जैसे देश की सेवा में 28 साल का अवसर दिए, वैसे ही गाँव में नवयुवा को सैनिक बजाने के प्रेरित कीजिए। मैं यही भाई से।